नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं कैन टेक एडिनो से। तो एप्पल ने इस साल अपना नया आईफोन सीरीज लॉन्च किया, आईफोन 13 सीरीज। तो आज हम आईफोन 13 प्रो मैक्स के अनबॉक्सिंग के बारे में देखेंगे, उसकी फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है लगभग 1,20,000 का। तो अगर आप खरीदना है तो अमेजोन से भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। तो चलो इसको अनबॉक्स कर देते हैं कि बॉक्स में क्या मिलता है। ये 13 प्रो मैक्स है और ये सियारा ब्लू कलर का है और इसमें आपको 128 GB का स्टोरेज मिलेगा। तो ये डिफरेंट स्टोरेज वेरिएंट्स में आता है, तो ये 128 GB का स्टोरेज का वेरिएंट है। तो इसको सील को ब्रेक करते हैं, देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। तो मैंने सील को ब्रेक कर दिया है, तो अभी फ़ोन को बाहर निकालते हैं। तो ये रहा iPhone 12 Pro Max। सबसे पहले आपको iPhone मिलता है, यहाँ पे एक टैप मिलता है, आप उसको उठा सकते हैं बाहर। तो इस बार एप्पल ने सभी रिसाइकल मटेरियल्स का यूज़ किया है, तो इसको साइड में रख देते हैं। तो रिसेंटली आपको पता होगा कि इसमें चार्जर्स नहीं आते, तो आपको एक USB-C to लाइटनिंग केबल आपको इसमें मिलेगा और एप्पल कुछ वारंटी इन्फॉर्मेशन और एप्पल स्टिकर अवेलेबल है। बॉक्स में और कुछ नहीं आता, तो बॉक्स को साइड में रख देते हैं, देखते हैं कि फ़ोन कैसे दिखता है। तो मैं ये ऊपर वाला फ्लैप हटा देता हूँ सबसे पहले। तो इसमें 6.7 इंच का स्क्रीन मिलता है आपको, पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और लैडा सेंसर मिलता है, नीचे आपको लाइटनिंग केबल का सॉकेट मिलता है और यहाँ पे आपको पावर बटन मिलेगा लेफ्ट साइड में और यहाँ पे म्यूट स्विच मिलेगा, वॉल्यूम अप डाउन बटन और नीचे आपको स्पीकर्स मिलेंगे, आगे आपको ईयरपीस मिलेगा। तो इस बार जो नॉच जो है एप्पल ने थोड़ा बहुत छोटा कर दिया है कंपेरेटिवली प्रीवियस जनरेशन से, तो एक अच्छी बात है। चलो तो इसको फर्स्ट टाइम बूट करते हैं। तो इसमें साइड में आपको स्टेनलेस स्टील फ्रेम मिलेगा और ये कंपेरेटिवली पिछले जो जनरेशन है आईफोन 12 प्रो मैक्स उससे थोड़ा हैवियर है, क्योंकि इसमें आपको बड़ा बैटरी मिलता है इस बार। तो इसको ऑन करते हैं सबसे पहले। तो एप्पल का लोगो दिख गया। तो अगर आप खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। तो ये सियारा ब्लू वेरिएंट है, इसमें आपको बैक में मैट फिनिश मिलेगा ताकि आप फिंगरप्रिंट को अवॉइड कर सकते हैं और पीछे एप्पल लोगो मिलता है। तो एप्पल का जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छा रहता है, तो इस बार भी कोई डिफरेंट नहीं है, वो अच्छा बिल्ड क्वालिटी इसमें दिया गया है। तो चलो मैं इसको सेटअप करता हूँ, देखते हैं कि सेटअप के बाद ये कैसे दिखता है। तो आईफोन 13 प्रो मैक्स का सेटअप कंप्लीट हो चुका है, तो होम स्क्रीन ऐसे दिखेगा आपको। तो इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 120 Hz है, तो काफ़ी स्मूथ डिस्प्ले आपको इसमें मिलेगा। अगर आपने 60 Hz का फ़ोन पहले यूज़ किया है तो आपको क्लियरली डिफरेंस इसमें दिखेगा और इसमें बेसिक जो ऐप्स हैं यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। तो आपको खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसका एक्सेलेंट बैटरी लाइफ है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।